सब्सक्राइब कीजिए इंडियन गेमिंग बड़ी टीवी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए बेहतरीन टेक एंड व्लॉग के नोटिफिकेशंस पाने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं इंडियन गेमिंग बड़ी टीवी, जहां पे आपको मिलेगा टेक एंड व्लॉग दोनों चीजें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और अपना प्यार दिखाते रहिए हमारे और वीडियोस पे। धीरे धीरे और हमारी वीडियोस नहीं आ रही हैं, आप दिखाते रहिए अपना प्यार, हम आपको देते रहेंगे नए टेक इन्फॉर्मेशन और नए नए ब्लॉग्स। तो जल्दी जाइए, सब्सक्राइब कीजिए इंडियन गेमिंग बड़ी टीवी, जहां पे मिलेगा आपको टेक एंड व्लॉग एक साथ। और दोस्तों, आजादी के अमृत महोत्सव में आप सबको बहुत ही शुभकामनाएं। 75 साल पूरे हो गए हमको स्वतंत्र हुए, तो 75वें स्वतंत्रता दिवस पे आप सभी को इंडियन गेमिंग बड़ी टीवी और इंडियन गेमिंग बड़ी चैनल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम। तो ये हमारा सेकंड वीडियो है टेक्नोलॉजी पे, जिसमें हम टेक गैजेट्स और बहुत सारी नई चीज़ों के रिव्यूज़ और अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये मेरा सेकंड वीडियो है इसी चीज़ से रिलेटेड कि हम टेक पे एक और नई चीज़ लेके आए हैं। तो मार्केट में एक अच्छी नई चीज़ आ रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं इसको आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ और दिखाता हूँ कि किस तरह से वो और भी अच्छी चीज़ बन सकती है हमारे आगे फ्यूचर के और हमारे हेल्थ से रिलेटेड। जैसे हमारे साथ हम धीरे धीरे और स्मार्ट होते जा रहे हैं, हर चीज़ स्मार्ट होती जा रही है, फ़ोन स्मार्ट हो रहा है, कार स्मार्ट हो रही है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें स्मार्ट हो रही हैं, यहाँ तक कि अब तो होम अप्लायंसेस भी अब स्मार्ट हो रहे हैं, तो हमारी घड़ी क्यों पीछे रहे। तो यहीं पे हम लेके आए हैं हम आपके लिए फायरबोल्ट मर्करी। जी हाँ, फायरबोल्ट मर्करी, ये वॉच की आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और देखते हैं इसके क्या फीचर्स रहते हैं, क्या इसमें स्पेसिफिकेशंस रहते हैं एज पर दैट रिक्वायरमेंट, और क्या इसमें यूनिक फीचर दिए हैं जो हर स्मार्ट वॉच से अलग इसको बताता है। तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए इंडियन गेमिंग बड़ी टीवी। तो गाइस, करते हैं हम इसका अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि इसमें क्या निकलता है, क्या खास नहीं निकलता। तो कर लेते हैं हम सील को ब्रेक और देखते हैं इसमें क्या कुछ खास निकलता है, क्या कुछ खास नहीं निकलता। वैसे देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें इसमें यूनिक हैं, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं, बट वो देखेंगे कि इसमें कैसा क्या रहता है। तो करते हैं इसको अनबॉक्स, आप लोग भी मज़े लीजिए। तो गाइस, हो चुकी है अनबॉक्सिंग, आपने देख लिया इसमें क्या क्या निकला है। सबसे पहले तो ये कुछ वारंटी कार्ड निकले हैं, जिसमें अपने विराट कोहली मस्त झलक रहे हैं। फ्री बुक माय शो वाउचर मिला है, बहुत सारी चीज़ें मिली हैं इसे वाउचर्स में। ये ऑल इन द बहुत सारे बोल्ट प्ले ऐप के मेम्बरशिप वगैरह मिला है, वी ऑनर्ड वोल्ट कौन सा है, Gaana.com का 3 महीने का सब्सक्रिप्शन मिला है। बट ये सब सारी चीज़ अब देखना पड़ेगा कि चलता है कि नहीं चलता है या फिर एक्सपायर हो चुका है, इसको साइड कर देते हैं। फिर उसके बाद मिला है ये कुछ ज्ञान की बातें जो ऑलरेडी आप जानते हो, बट अगर कुछ भी आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप इसमें पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके साथ एक मिला है ये इसका मैगनेट कनेक्टर, जो आप मैगनेट्स के साथ इसको पीछे से कनेक्ट करके मैगनेट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो और अच्छे से चार्ज कर सकते हो। फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता है शायद ये, बट एक बार हम इसको भी चेक कर लेंगे। मेन हाईलाइट आता है इसका ये वॉच, तो वॉच की क्वालिटी बहुत ही टफ है, मतलब टफ बोले तो ठीक ठाक है। इसका ये प्लास्टिक उतारते हैं, लुक तो बहुत ही प्रीमियम है, लाइक आईफोन की तरह लुक दिया है पूरा, और बहुत ही यूनिक टाइप का उन्होंने
का जो बैंड है ये रबर बैंड सिलिकॉन बैंड अच्छा है, अच्छा मतलब फील करने में एकदम ही बहुत ही मतलब सॉलिड दिख रहा है, और सॉलिड जब आप इसको टच करके फील भी करोगे ना तो बहुत ही सॉलिड है ये। तो स्टार्ट करके देख लेते हैं। अभी मैंने इसको थोड़ा चार्ज किया है, देखने वाइज में इसका जो यूआई है बहुत ही स्मूथ है रदर देन अदर के अलावा। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी दी हैं जो आप बहुत ही अच्छे से यूज़ कर सकते हो, लाइक यहाँ पे देखो मल्टी टाइप ऑफ फंक्शनैलिटी दी है, इस चीज़ को आप चेंज कर सकते हो। अगर हम जाएंगे इसके यूआई के अंदर मतलब ये, तो यहाँ पे सेटिंग्स में बहुत सारी चीज़ें आप मेन्यू को चेंज कर सकते हो, मेन्यू के व्यू, ग्रिड की जगह पे लिस्ट रखना है तो आप लिस्ट कर सकते हो, ग्रिड कर सकते हो, और अगर दिया है तो ब्राइटनेस, अगर आप वाइब्रेशन ऑन कर सकते हो थिएटर मोड में हो तो थोड़ा लो ब्राइटनेस रहेगा, उसको बंद करने के लिए फिर ऑन कर सकते हो, रीसेट पावर ऑफ अबाउट, और यहाँ पे क्यूआर कोड है तो आप इसका ऐप वगैरह डाउनलोड करके वो भी सब चेक कर सकते हो। बिल्ड क्वालिटी में देखा जाए तो बहुत ही खतरनाक वॉच है, प्राइस रेंज के हिसाब से इसका फंक्शनैलिटी और बाकी सब चीज़ें भी अच्छी हैं। ये साइड केसिंग इसकी फाइबर की दी है, ये कोई मेटल केसिंग नहीं है। बहुत ही एक अच्छी चीज़ में ये है क्योंकि आप एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा चीज़ चाहते हो वो है इसमें स्मार्ट नोटिफिकेशन आना, मतलब जो आप इसमें कोई भी बार जब आप ये अपना कनेक्ट करके रखोगे आप इसको वॉच को अपने फ़ोन से तो आपको नोटिफिकेशन शो करेगा, मल्टीपल फेस वॉचेज मिलेंगे आपको, स्लीप मॉनिटरिंग मिलेगी और साथ में बॉडी टेम्परेचर ट्रैक्स SPO2 डायनेमिक और हार्ट रेट भी मिलेगा। और सबसे बेहतरीन चीज़ की है क्योंकि इसका जो डिस्प्ले है ना वो है 9.2 mm का अल्ट्रा थिन बॉडी। अल्ट्रा थिन बॉडी अगर आप साइड से देखेंगे ना बहुत ही स्लीक है, लाइक उन्होंने आई वॉच का सेम वैसे ही कॉपी मारा है, बट के हिसाब से प्राइस रेंज के हिसाब से वॉच बहुत ही यूनिक और बहुत ही टची फील होता है क्योंकि इसका जो टच स्क्रीन रेट है ना बहुत ही स्मूथ है। 1.7 HD का डिस्प्ले आपको मिलता है 1.7 inch का, उसके बाद मल्टी स्पोर्ट्स मोड भी मिल जाते हैं जिसमें आपको बहुत अलग अलग चीज़ें अगर आप देखोगे इसमें तो बहुत सारी चीज़ें इसमें अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। मैं इसका और थोड़ा लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में बताता हूँ आपको अच्छे से, चलिए हम नेक्स्ट फीचर्स में हाईलाइट होते हैं। ओके दोस्तों, आपने देख लिया कि बॉक्स में क्या क्या चीज़ें निकलने वाली हैं और क्या क्या चीज़ें हाईलाइट होने वाली हैं, वहाँ पर मैंने इतना कुछ नहीं बताया, बट अब मैं आपको इसकी डिटेल्स के बारे में बताता हूँ कि इस वॉच में और क्या क्या चीज़ें अच्छी होने वाली हैं और क्या क्या स्पेसिफिकेशन इसमें दिए हैं। तो फर्स्ट शुरू करते हैं हम डायमेंशन से। इस वॉच का डायमेंशन होगा, इसकी विड्थ होगी 36.4 mm की और हाइट इसकी जस्ट 44.9 mm की है। यहीं पे इसकी जो थिकनेस है वो दी है 8.8 mm का और डायमीटर जो दिया है वो है 45 mm का। इसका जो टोटल वेट है वो है 80 ग्राम। यहाँ अगर इसके हम डिस्प्ले की बात करें तो इसमें दिया है 1.7 इंचेस का HD डिस्प्ले, यहाँ ये फुल टच स्क्रीन डिस्प्ले है। और अगर कनेक्टिविटी की बात की जाए तो इसमें ब्लूटूथ वर्जन 5.0 है जो बहुत ही अच्छा है कनेक्टिविटी और कनेक्शंस के लिए वायरलेसली। और अगर हम यहाँ पे सेंसर्स की बात करें तो यहाँ पे SPO2 मॉनिटरिंग और हार्ट रेटिंग के लिए ट्रैकिंग सब सारी चीज़ें इस वॉच में दी हैं। और अगर ऑप्शनल हार्ट रेटिंग की बात है तो यहाँ पे ऑप्शनल और कैपेसिटी सेंटर सेंसर्स दोनों दिए हैं जिससे आप अपने बॉडी टेम्परेचर से लेके हार्ट रेट मॉनिटर कमी आसानी से कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से ये के सेंसर्स काम भी करते हैं जो यहाँ पीछे दिए हैं। और वही रही बॉडी टेम्परेचर की बात, ये बॉडी टेम्परेचर भी बताती है आपका। और हाँ, जो इसका SPO2 है वो एग्जैक्ट नहीं पता है बिकॉज ये प्रॉपरली हॉस्पिटल वाला गैजेट नहीं है, जो अब मेडिकल रिलेटेड गैजेट नहीं है, जिस सिर्फ हेल्थ रिलेटेड है, तो ये एक एग्जैक्ट नहीं बट एक एवरेज मेजरमेंट आपको बताएगा SPO2 का। और यही अगर बात करते हैं हम इसकी बैटरी और चार्जिंग की तो ये आपको देगा टिपिकली यूजेज टाइम 8 days का, अगर आप कंटिन्यू इसको यूज़ करते हैं तो ये 8 days तक पूरा इसका बैटरी बैकअप देगा। और स्टैंड बाई अगर मोड पर अगर आप इसको यूज़ करते हैं, अगर आप कुछ कनेक्ट नहीं करते हैं, वाइब्रेशन वगैरह इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं तो ये स्टैंड बाई मोड में आपको देगा 30 days का बैटरी बैकअप। जी हाँ, और इसके साथ जो मिलती है वो चार्जिंग केडल मिलती है और मैग्नेटिक चार्जिंग फील्ड दी है जो यहाँ पे आप इस पॉइंट्स पर कनेक्ट करके आप चार्ज कर सकते हैं, ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है इसमें। और अगर हम बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी की तो इसमें दी है IP68 का वाटर प्रूफिंग टेक्नोलॉजी जो आप तक आपको 15 meters तक का रेंज दे सकती है पानी के अंदर।
और कॉम्पलेबिलिटी में अगर हम बात करें तो ये एंड्रॉइड 5.0 से ऊपर के डिवाइसेस और iOS 8.0 के ऊपर के डिवाइसेस को सपोर्ट करती है। इसका ऐप UI बहुत ही शानदार है, वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। उसमें कैसा कनेक्टिविटी करना है, कैसी चीज़ इसमें क्या क्या मिलेगा आपको, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आगे। और अगर हम बात करते हैं अगर इसमें हेल्थ मॉनिटरिंग की, तो इस आपको मिलता है 24/7 डायनेमिक मॉनिटरिंग एंड मैनुअल मॉनिटरिंग। इसके साथ आपको स्ट्रैप ट्रैकर, कैलोरीज बर्न, डिस्टेंस ट्रैवल, एक्टिविटी हिस्ट्री, स्लीप मॉनिटर, स्पोर्ट्स मोड और ट्रैकिंग रिमाइंडर वगैरह सब मिलता है। और ये सारी चीज़ें इस वॉच में दी है, यहाँ इस वॉच में दी है। और बहुत ही अच्छा इसका टच रिस्पॉन्स भी है। अगर आप देखोगे बहुत ही ज़्यादा अच्छा टच रिस्पॉन्स है। वो सब चीज़ें आपको मिलती हैं इसमें। अगर हम थोड़े स्मार्ट फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो आपको इसमें मिलेगा कॉलर नेम इन्फॉर्मेशन। जैसे ही आपको किसी का कॉल आएगा तो इसमें आपको नाम दिखेगा यहाँ स्क्रीन पे कि कौन आपको कॉल कर रहा है। उस टाइम पे आप कॉल अटेंड नहीं कर सकते हैं, सिर्फ कॉल को कट कर सकते हैं या फिर जो वॉच वाइब्रेट हो रही है उस टाइम पे उसको साइलेंट कर सकते हैं। और कॉल रिजेक्शंस का भी ऑप्शन मिलता है, जैसे मैंने बताया कि आप कॉल रिजेक्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। फाइंड माई का फ़ोन का फीचर मिलता है, जिसमें आपको अपने इसके ऐप UI से यहाँ पे जाके यहाँ पे इसको कनेक्ट करके अपने फ़ोन को सर्च कर सकते हैं कि आपने अपना फ़ोन कहाँ रखा है। लो बैटरी रिमाइंडर बताता है फ़ोन का। म्यूज़िक को कंट्रोल कर सकते हैं, म्यूज़िक एप्लीकेशंस को TVS फॉरवर्ड और वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं आपसे। सेकेंडरी रिमाइंडर भी देता है, वेदर फोरकास्ट भी देता है, स्टॉप वॉच का रिमाइंडर भी है इसमें। आप कितना देर तक कितना स्टॉप वॉच अपना अगर आपने कोई सेट कर रखा है तो वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बता देगा ये फटाफट। टाइमर, अलार्म, वेकअप जेस्चर दिया है, वाइब्रेशन अलर्ट दिया है, डू नॉट डिस्टर्ब मोड दिया है, स्क्रीन ब्राइटनेस आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसके लिए जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ के इस पर शटर को नीचे करना है और यहाँ से इसका आप ये देखिए यहाँ से आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ दी है। और अगर हम थोड़ा और हाइलाइटिंग में जाते हैं तो आपको कंपनी की तरफ से 1 साल की वारंटी मिलती है, जिसमें आप 6 मंथ तक इस एक्सचेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको सिर्फ रिपेयर करा सकते हैं ओनली फॉर द सर्विस सेंटर। और इसका जो स्क्रीन रिफ्रेश रेशियो है वो थोड़ा कम है। अगर आप एनिमेटेड वाले वॉच फीचर यूज़ करेंगे तो वो बीच बीच में अटक के चलेंगे और वो बहुत ही थोड़े से स्टॉप होके चलेंगे। तो मैं आपको रिमाइंड करूँगा कि आप इसको सिर्फ स्टैटिक वॉलपेपर वाले या स्टैटिक वाले जो वॉच फेसेस हैं उनको ही यूज़ कीजिए। वो देखने में भी बहुत यूनिक लगते हैं और वो बैटरी भी बहुत कम यूज़ करेंगे आपकी। तो इसके जो और इसका जो जितना भी कंट्रोल सिस्टम है उसका एक ऐप है, इनका ऐप का नाम है द फिट। उस ऐप में सारे फीचर्स आप कंट्रोल कर सकते हैं ऐप के थ्रू। अपडेट जो भी आएगा, जो भी आप कुछ भी अपडेट करना चाहें तो वो ऐप के थ्रू अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए स्विच करते हैं द फिट ऐप पे और दिखाता हूँ मैं आपको ऐप का UI। तो इसको एक्सेस करने के लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा द फिट ऐप। यहाँ ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखी है, कुछ सेटअप भी ऑलरेडी कर लिया था मैंने पहले। तो मैं इसको ओपन करता हूँ, आप देख लो UI कैसा है। तो यहाँ पे आपको पूरे स्टेप्स वाइज दिखाएगा कि आपके इतना स्टेप चले हो, कितना आप घंटा आप सोया है, हार्ट रेट अभी आपने कितना इसने स्कैन किया है और कंटिन्यूस हार्ट रेट क्या रहा, आपका टेम्परेचर क्या रहा, ब्लड ऑक्सीजन कितना है, आउटडोर रनिंग आपने कितना किया, वो सब सारी चीज़ें टेक्निकल चीज़ें जितना भी ये रिकॉर्ड करेगा आपके फिजिकल और हेल्थी डेटा भी इसको कलेक्ट करेगा तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें शो होंगी। और सेकेंड ऑप्शन इसमें दिया है, बहुत ही अच्छा UI है इसका, बहुत ही प्यारा UI है, बहुत ही यूज़र फ्रेंडली और ईजी UI है मुझे इस ऐप का लगा रदर एन अदर। तो यहाँ पे आपको जो आपका वॉच का बेस मॉडल नंबर है, लाइक इसका नंबर है BSW006, तो ये कनेक्टेड दिखा रहा है। तो मैं इसको थोड़ा चार्ज कर रहा हूँ, ये चार्जिंग पे लगी है, तो यहाँ पे चार्जिंग का ऑप्शन दिखा रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से भी चार्जिंग हटा दूंगा तो यहाँ पे देखो भी चार्जिंग हट जाएगी। ओके, अब ये 22% चार्ज हो चुकी है। मैंने अभी सिर्फ इसको 10-15 मिनट चार्ज किया और ये 22% ऑलरेडी हो चुकी है चार्ज। तो रादर देन नेक्स्ट थिंग अपन जाते हैं वॉच फेसेस पे। तो यहाँ पे वॉच फेसेस कुछ ऑलरेडी प्री इंस्टॉल ऐप पे दिए रहेंगे जो हम लोग ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। बट इसके अलावा अगर आप कुछ और वॉच फेसेस अगर लेना चाहेंगे तो उसको आपको सिर्फ एक ही चीज़ लगेगी, वो है नेट कनेक्शन। तो आप वॉच फेसेस पे जैसे क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे मल्टीपल टाइप ऑफ वॉच फेसेस दिख मिल जाएंगे एज़ पर योर चॉइस। आप कुछ भी लगा सकते हो, बहुत बहुत ही यूनिक और बहुत ही
अट्रैक्टिव टाइप के वॉच फीचर्स दिए हैं इसमें। एनिमेटेड वॉच फीचर्स हैं कि नहीं ये मुझे नहीं पता, बट बहुत सारे वॉच फीचर्स जो हैं वो सेम, आपको जो आपको जैसा भी चाहिए वैसा आप यहाँ पे लगा सकते हो। बस इसमें एक लॉग ये है, मतलब इसका कॉन ये है कि आप इसमें कस्टम वॉच फीचर्स नहीं लगा सकते। जी हाँ, कस्टम वॉच फीचर्स इसमें अवेलेबल नहीं है, वो आप अपने तरफ से इसके हिसाब से नहीं लगा सकते। बट एज पर योर चॉइस, जो उन्होंने अपने पर इनके साइड से बहुत ही सारे मल्टीपल वॉच फीचर्स दिए हैं, मतलब आई थिंक 50 के ऊपर तो होंगे ही, तो आप वो यूज़ कर सकते हो रदर देन, नहीं तो आप और भी थर्ड पार्टी ऐप्स आती हैं, आप उनको ट्राई कर सकते हो। मुझे इतना कुछ इसका थर्ड पार्टी ऐप्स के बारे में नहीं पता, तो आप एक बार गूगल करके देख लो, आप में भी शायद आपको बहुत सारे वॉच फीचर्स मिल जाएंगे अलग टाइप के। बट मेरे हिसाब से जो इतना भी ये ऐप प्रोवाइड कर रही है बहुत ही अच्छा है, मतलब जो प्राइस रेंज इस वॉच का है उसमें ये सब चीज़ें मिलना बहुत ही कम मिलता है, लेकिन ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। नोटिफिकेशंस में आपको आपके सारे नोटिफिकेशंस आप ऑन कर सकते हो, अदर्स में आप अदर्स जो भी नोटिफिकेशन, अगर आप कुछ भी नोटिफिकेशन आएगा आपके फ़ोन पे तो आप उसको, ये आपको वॉच फीचर्स में वॉच के स्क्रीन पे शो होगा। तो नॉर्मल नोटिफिकेशंस में आपको फ़ोन, मैसेज, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, स्काइप, इंस्टाग्राम, लाइन, आई थिंक ये लाइन क्या है अपने यहाँ पे यूज़ नहीं होता, डोंट नो अबाउट, कोका टॉक, ये वी चैट, ये सारी चीज़ें तो अभी बहुत सारे लोग बंद कर दिए, शायद ये कुछ बैन भी हो गए, बट यहाँ पे बिकॉज कैसा है चाइनीज़ प्रोडक्ट है तो उसका ओरिजिन बनता ही है कि कुछ ना कुछ आपको चाइना से रिलेटेड मिलेगा ही, बट कुछ उसका हम कर भी नहीं सकते, बट क्योंकि ऐप यूआई में डिफ़ॉल्ट दिया है तो आप उसको हटा भी नहीं सकते। थर्ड, इसमें अलार्म्स दिया है, अलार्म सेट कर सकते हो आप जिस टाइम पे अलार्म सेट करोगे उस टाइम पे वॉच सिर्फ वाइब्रेट करेगी, अलार्म मतलब सिर्फ वाइब्रेट करेगी इस, और उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा इसमें। शटर में आप अगर चाहें तो अपने वॉच को एज अ शटर क्लिकर यूज़ कर सकते हो, लाइक जैसे ये देखो मुझे दिख गया यहाँ पे, तो मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँगा इस पर तो ये देखो टाइमर देगी और ये मेरा एक क्लिक फोटो क्लिक हो गया, ठीक है। तो अदर्स में हम भी और चेक कर लेते हैं कि अदर्स में क्या है, फाइंड माई डिवाइस, ओके ये वाइब्रेट कर रही है, फाइंड माई डिवाइस वाइब्रेट कर रही है। टाइम फॉर्मेट चेंज कर सकते हो, यूनिट सिस्टम आपको किस तरह का चाहिए, मैट्रिक चाहिए कि इंपीरियल चाहिए, डो नॉट डिस्टर्ब क्लब को क्लोज करना है, आप उस हिसाब से उसको शेड्यूल कर सकते हो। रिमेंबर टू मूव में आपको ये हिसाब से सारी चीज़ें आप शेड्यूल कर सकते हो। हार्ट रेट मॉनिटरिंग ऑटोमेटिक में आपको कितना टाइम रखना है कि हर 10 मिनट में आपका हार्ट रेट ये चेक करते रहे, तो ये अपने आप ही हार्ट रेट चेक करके ऑलरेडी ऐप में ट्रांसफ़र कर देगा डेटा, तो आप वहाँ पे मॉनिटर कर सकते हो। कंट्रोल म्यूजिक पैनल, आप अपना म्यूजिक जो भी सुन रहे हो वहाँ से पूरा म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हो। लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, लैंग्वेज में आपको इंग्लिश से लेके बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेज मिल जाएंगी, हिंदी नहीं मिलेगी बट जो भी अदर कंट्रीज़ की लैंग्वेज है वो सारी मिल जाएंगी आपको। ऑटो लॉक 10 सेकंड मैंने कर रखा है इसको, मतलब 10 सेकंड के बाद ही अपने आप ही लॉक वॉच का जो स्क्रीन है, और रीसेट करना चाहते हो आप रीसेट भी कर सकते हो। कुछ भी में आप कुछ भी सारी चीज़ें जो भी आपको देखना है वो यहाँ पे ऑन कर सकते हो। वैलिड पीरियड में ऑल डे के लिए रखना है मैंने। बारिश आ रही है बाहर तो थोड़ी सी भी आवाज़ आ रही है तो उसको इग्नोर कीजिए, आप मेरी बातों पे ध्यान दीजिए। ड्रिंकिंग वाटर रिमाइंडर सेट कर सकते हो। वेदर में आप वेदर ऑन कर सक करके आप जैसे ही टेम्परेचर पे आप सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में डाल सकते हो, और सिटी जिस सिटी का आप, जैसे मैं नागपुर में से बिलोंग करता हूँ तो मैं नागपुर डाल देता हूँ यहाँ पे। तो ये नागपुर का वेदर मैंने यहाँ सेट कर दिया। अगर आप फीमेल हैं तो आप अपनी फिजिकोलॉजी साइकिल रिमाइंडर जिसमें एक बार ऐड ऑन करके, तो ये आपको हर मंथ के हिसाब से आपको बताता रहेगा कि आपका डेट कब आने वाला है। तो ये सारी चीज़ें इसमें थी। अपग्रेड्स में जैसे ही ऐप में अगर कुछ भी नया आता है या फिर कंपनी की तरफ से कुछ भी नया वर्जन या कुछ भी इसका कर्नल वर्जन, मैक वर्जन अगर अपडेट होता है तो आप ऐप के थ्रू इसको अपडेट कर सकते हो। तो अभी तो उसका कोई अपडेट नहीं आया है, मैंने अभी जस्ट चेक किया है तो इसमें कोई अपडेट नहीं है। रही बची बात थर्ड पर्सन में, तो यहाँ पे आप खुद का प्रोफाइल बना सकते हो, अपना खुद का गोल सेट कर सकते हो कि आप कितना चल कितना स्टेप आज एक दिन में कंप्लीट कर सकते हो। बैकग्राउंड ऑपरेशंस में ये ऐप बैकग्राउंड ऑपरेशंस में काम करती रहेगी, अगर आप ऐप बंद भी कर दोगे तो भी ये अपना वर्क करती रहेगी। गूगल फिट से कनेक्ट कर सकते हो आप। गूगल फिट बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी
कुछ भी इंफॉर्मेशन है वो ऑलरेडी वो अपने आप से क्लाउड से कनेक्ट होके वहाँ पे ट्रांसफर होता रहेगा, जिससे कि आप अपने आप को मॉनिटर कर सकते हो कि आपका हेल्थ किस दिन पे कैसा और किस दिन पे कैसा अच्छा था और किस दिन पे कितना अच्छा बराबर था, या आपने जितने भी गोल सेट किए हैं आपके हेल्थ से रिलेटेड वो एकदम एग्जैक्ट हैं या नहीं है, वो सारी चीज़ें आपकी क्लाउड में अपडेट होती रहेगी और जिससे आप रिमाइंडर और हर एक प्रॉपर डे वाइज और मिनट वाइज आप अपडेट कर सकते हो अपने डेटा को कि आप किस दिन अपने आप अपनी कितने दिन किस कौन से दिन में आपने 8000 स्टेप्स किया, कौन से दिन में आप जिससे ज़्यादा खा सोए हो, कितने कौन से दिन में आपने सबसे ज़्यादा कैलोरी बर्न की है, ये सारी चीज़ें आप रिकॉर्ड कर सकते हो क्लाउड वाइज। तो ये गूगल शीट बहुत ही अच्छी चीज़ है। और अबाउट में अगर हम जैसे देखना चाहें तो अभी अपग्रेड टू बेटा वर्सेस प्राइवेसी पॉलिसी ये सब सारी चीज़ें दी हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अभी इसमें अपडेट होने के लिए हैं, तो वो भी इन डेवलपमेंट है, तो वो सारी चीज़ें आप ये सब चीज़ें रखते हो। ये था इसका ऐप यूआई, मुझे तो बहुत ही यूनिक लगा, बहुत ही यूज़र फ्रेंडली, बहुत ही ईजी टू यूज़ है इसका ऐप यूआई। आगे का जो भी पोर्शन है वो आप अपने हिसाब से बताइए मुझे कमेंट्स में। तो गाइज ये था इसका ऐप रिव्यू, जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें हैंडल कर सकते हो इस ऐप के थ्रू अपने वॉच में और बहुत सारी चीज़ें कस्टमाइज कर सकते हो। एक चीज़ मैंने वहाँ पे गलत बोल दी, मैंने जस्ट अभी चेक किया, उसमें ये है कि आप इसमें कस्टमाइजेबल वॉच फेसेस भी लगा सकते हो। तो वॉच फेस एडिट करने के लिए उसमें आपको बहुत सारी चीज़ एक एडिट मोड मिलेगा और उसमें आप अपने कोई भी कस्टम वॉलपेपर अपना खुद का फ़ोटो या अपनी गैलरी से जो फोटोज़ लगाना चाहें वो बैकग्राउंड में लगा सकते हैं और टाइम फॉर्मेशंस को भी चेंज कर सकते हैं, कलर वाइज में भी चेंज कर सकते हैं और उसका डेट एंड टाइम अपने फॉर्मेट में अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो गाइज ये था हमारा इस फायरबोल्ट का रिव्यू और अनबॉक्सिंग। तो आप मुझे बताइए कि आपको ये वॉच कैसी लगी और मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपका बजट 2000 रुपीस तक के है या 2000 रुपीस से ज़्यादा है और आप अच्छा स्मार्ट वॉच लेना चाहते हैं तो मार्केट में इस तरह के स्मार्ट वॉचेस भी आते हैं, आप एक बार ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये स्मार्ट वॉच कैसा लगा। ये मैंने मेरे पर्सनल यूज़ के लिए नहीं लिया, ये मैंने मेरे भाई के लिए लिया है तो मैं उसको गिफ्ट कर दूंगा। ये बहुत ही अच्छा ऐप मुझे वॉच लगा इसलिए मैं उसको ये गिफ्ट करने वाला हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि ये कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है, ये मेरे खुद का खरीदा हुआ प्रोडक्ट है और मैंने इसका खुद ही अनबॉक्सिंग किया है, तो ये कोई पेड प्रमोशन इंक्लूड वीडियो नहीं है। तो जस्ट यही मैं बताना चाहता था कि आप एक बार अगर आपका बजट 2000 रुपीस तक का है तो आप एक स्मार्ट वॉच इस तरह का खरीद सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा डिवाइस है आपकी हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए और आपके रोज़मर्रा के जितने भी काम आप मॉनिटर कर रहे हैं, आप कितना चले हो, कितना आपने कैलोरी बर्न किया है, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके प्रॉपरली एक डेटाबेस में सेव करके रखता है। और इससे एक और चीज़ अच्छी चीज़ है कि आप इसको गूगल फिट से भी कनेक्ट करके आप इसको क्लाउड स्टोरेज में सेव कर सकते हो। तो ये था मेरा इस वॉच का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। आप बताइए मुझे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आपको हमारी कोई भी नई वीडियो आए तो आपको जल्द ही पता चल जाए और नोटिफिकेशन आ जाए। तो देखते रहिए, मैं हूँ सिद्धार्थ, आप देख रहे थे इंडियन गेमिंग बड़ी टीवी, जहाँ टेक के साथ मिलेंगे आपको व्लॉग्स भी। तब तक मैं चलता हूँ, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा, जय हिंद।